भाई साहब आप आ गए, धन्यवाद। जी बिल्कुल, बहन, फ्रेंड, कलीग, को स्टार तनुश्री जी ने मुझ पर 10 करोड़ का वो जो केस है डेफेमेशन का किया है। आज मैं बहुत दुखित हूँ, बहुत ज़्यादा सैड हूँ। मतलब ये लंगूर और अंगूर की कहानी है। हाँ, मैं अंगूर हूँ और तनुश्री दत्ता लंगूर है, क्योंकि उन्हें ये अंगूर नहीं मिल पाया। मुझे बहुत शर्म आ रही है और बहुत दुख हो रहा है ये कहते हुए। आपको क्या लगता है तनुश्री दत्ता ने बाल क्यों मुंडवाए थे? वो एक लड़की नहीं, लड़का है। हाँ, अंदर से वो एक पूरा लड़का है। हमेशा मैं हर महिला की इज्जत करती हूँ, लेकिन तुमने एक सोई हुई नागिन को जगाया है। तुम कहती हो मैं मिस इंडिया हूँ, उस वक्त मिस इंडिया हूँ। हाँ, तुम मिस इंडिया हो, मैं भी मिस अंधेरी वेस्ट हूँ। चिल्लम चिल्ली कर रही हो, तुम्हारे साथ वो एंकर भी इतना चिल्लम चिल्ली कर रहा है। वो गोस्वामी कौन है? अर्णव गोस्वामी जी के साथ। उन्हें क्या लगता है इंग्लिश में इतना चिल्लम चिल्ली करने से लोग आपकी सच बात को मान लेंगे? कोर्ट में मैं भी कहूंगी कि तुमने तुम्हारी उंगली का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया। हाथ खाने के लिए दिए जाते हैं, कहीं और इस्तेमाल करने के लिए नहीं। मुझे शर्म आती है कहते हुए भी कि तुमने मेरे प्राइवेट पार्टों के साथ तुमने क्या क्या किया है, कहाँ कहाँ तुमने मुझे टच किया है। यहाँ टच किया तुमने मुझे। तनुश्री दत्ता, तुम मुझे इतना चाहती हो, मुझे पता नहीं था तुम्हारा प्यार इतना सच्चा है मेरे लिए। हाँ, तुमने अपने बाल मुंडवा दिए मेरे लिए, जो इंडस्ट्री में हार चुकी है ऑडिशन देते देते, स्किन टेस्ट और स्क्रीन टेस्ट देते देते। मैं तो काफ़ी लोगों के साथ गई हूँ ऐसे पार्टियों में, नई नई थी। आप जानते कि मीका की पार्टी में भी एक बार गई थी। सिर्फ रेप आदमी नहीं करता है, तनुश्री दत्ता ने भी किया है मेरे साथ। मेरे उन पार्टों को, प्राइवेट पार्टों पे हाथ लगाया है। और कितनी बेशरम हूँ मैं, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। जिंदगी भर का जहर, हाँ जिंदगी भर का गम इनाम दिया है। इस अबला का तबला बजाया है उसने। मैं मोदी जी से हाथ जोड़कर ये कहना चाहती हूँ, मोदी जी आपने मुहिम छेड़ी है बेटी बचाओ बेटी बचाओ, बट ये देश की बेटी ये कह रही है कि अब आदमी बचाओ आदमी बचाओ। जी जी जी, सारे न्यूज चैनलों में सब 12-12, 15-15, 14-14, 16-16 साल के बाद ही आ रहे हैं। आधे लोग तो अभी कब्र से निकल के आने वाले हैं। मेरे साथ जो अत्याचार हुआ है, मुझे कौन इंसाफ दिलाएगा? बताइए कौन सा लड़का इस जुने में मेरा हाथ पकड़ेगा? बताओ आप, मीडिया बहुत इंसाफ इंसाफ करती है ना। तनुश्री दत्ता हर मीडिया में जाके बहुत चिल्लम चिल्ली कर रही है। मैं भी गुहार लगा रही हूँ मीडिया से इंसाफ के लिए। बॉलीवुड के लोग कभी रेप नहीं करते, कोई प्रोड्यूसर रेप नहीं करता। मैंने अपनी आंखों से, मैं 15 साल से इंडस्ट्री में हूँ, इतनी लड़कियां हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगी, कहती है कि जो करना है कर लो लेकिन मुझे काम दे दो। वो तो नहीं मांग रहा था, मैं उससे ज्यादा खूबसूरत हूँ, मेरी लेना है ले लो, काम दे दो। कौन कहता है ये? क्यों दे रही हो, क्यों कर रही हो? तुम थक जाती हो ऑडिशन कर करके। 100 बार ऑडिशन करो, मैंने अपनी जिंदगी में कितने ऑडिशन किए, लेकिन मैंने तो बॉलीवुड में कभी नहीं किया। मैं आपको अभी भी कहती हूँ कि नार्को टेस्ट नाना पाटेकर का जी का नहीं, नार्को टेस्ट और ब्लड टेस्ट तनुश्री दत्ता का होना चाहिए। और तनुश्री दत्ता वो एक लड़का है अंदर से टोटली। और आप कहेंगे कि नहीं, लेस्बियन क्या होता है? प्लीज इतना मत कहना, ये तो आप भी जानते हैं, लड़का लड़के के साथ, लड़की लड़की के साथ करता है। अब मैं इतना भी खोल के बताऊं क्या? कोई भी दुनिया वाले कहते, कोई भी एक लड़की न्यूज चैनल में आके अपने पे इल्जाम भी लगाएगी, मैं भी एक लड़की हूँ ना, मैं भी इतनी न्यूज चैनल में आई और तुम्हारी सच्चाई बताई कि आप लेस्बियन हैं और आपने मेरा बार बार बलात्कार किया है। अरे मुझे तो सबसे ज्यादा दुखी हो रहा है आलोकनाथ जी पर इल्जाम लगा। जो इंसान जवानी में कुछ नहीं कर सका, वो बुढ़ापे में क्या करेगा बताइए? और एक कोई लड़की है, कह रही है सलमान खान, अरबाज खान, सोहिल खान, उसका रेप किया है। आप देख रही है पूजा मिश्रा, पूजा मिश्रा जी आप वही लड़की सन की हो ना, जिसने अपनी टट्टी निकाल कर सबके घर में भेजी थी।
याद है आपसे खूबसूरत तो सलमान खान के घर में काम वाली बाईया है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा बोलने के लिए कि हर जगह होता है। ए हेलो, मेरा कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक, थैंक यू मत बोलो। और मैं बॉलीवुड के सभी कास्टिंग डायरेक्टर को वार्निंग देना चाहती हूँ, अभी हॉकी में यहाँ पे लाई नहीं हूँ, डंडा लाई नहीं हूँ। उनको स्क्रीन टेस्ट के बहाने, ऑडिशन के बहाने कोई भी फालतूगिरी मत करना, वरना हॉकी और डंडा तुम्हारे पिछवाड़े में डाल देगी राखी सावंत। मेरे बलात्कार का सबूत मेरे पास है और मैं मीडिया को जरूर दूंगी, वो मेरा इक्का है, क्योंकि अभी दे दूंगी तो सबूत गायब हो जाएंगे, है ना। फिल्में मैं भी देखती हूँ, सब जानती हूँ मैं। और बॉलीवुड से एक निवेदन है मेरा कि अब जितनी भी फिल्मों में रेप कांड दिखाए जाते हैं, रेप के सीन्स दिखाए जाते हैं, वो बंद हो। ऐसा दिखाओ ना कि अगर ऐसा कोई बलात्कार करने आया जो लड़के के हाथ में चाकू हुआ कि कुछ भी हुआ, अंदर डाल दिया या उनका सामान काट दिया। एक फिल्म आई थी ना डिंपल कपाड़िया की, जख्मी औरत, देखो तुम्हें बड़े फिल्म का नाम मालूम है। और लेस्बियन फिल्म आई थी ना फायर, हाँ वो होता है, नहीं हुआ था फायर में, सब सच्चाई दिखाई गई थी दोस्तों, वही मेरे साथ हुआ है फायर। या आज वो 12 साल पुराना फायर आज बाहर निकला है। और हाँ एक मिनट दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया है कि आप हिंदुस्तान की लड़की कैसे सेफ रहेगी, तो आप देख लीजिए। साइलेंस प्लीज। तो जी हाँ, आपने देखा वीडियो। क्यों हंस रहे हो भाई, क्या बिगाड़ा मैंने आपका? यही दिखाओगे क्या मैं हंस रही हूँ? पैकअप प्लीज, पैकअप, मुझे बहुत रोना आ रहा है, प्लीज पैकअप करो प्लीज।